यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा पर्यंत देवता भी जिनकी माया से मोहित हो रहे हैं। और क्या सुंदर भाव दिया, जिसकी माया से केवल हम आप परेशान नहीं हैं, शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता भी सब उसकी माया से मोहित हो जाते हैं। ऐसे मायापति को प्रणाम किया है। मैं अर मोर तोरते माया, मैं अर मोर तोरते माया, जेहि बस की है जीवन काया, जेहि बस की है जीवन काया। संसार में सब इसी में फंसे हैं महाराज, मैं मेरा तू और तेरा, और ये माया ने सबको चक्कर में ले रखा है। हम आप अकेले नहीं, ब्रह्मा पर्यंत सब इसी में घूम रहे। हम लोग कथाओं में सुनते हैं ना, कभी नारद जी काम के वशीभूत हो जाते हैं, नारद मोह प्रसंग में। विश्व मोहिनी भगवान की माया ही तो है, और नारद जैसे विरक्त, नारद जैसे परम विरक्त भगवत भक्त भी माया से बच नहीं पाए। विश्व मोहिनी कैसे मिल जाए, इसी की माला घुमाना शुरू हो गई। तो माया में सब भटक रहे हैं, माया में सब भूले हुए हैं। भगवान को खोजना है क्या? कई लोग कहते हैं ना, भगवान को खोज लो, खोजना पड़ेगा परमात्मा को। अरे महाराज, भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान में खो जाने की आवश्यकता है। बस एक बार जीव वहां उसके चरणों में पहुंच जाए और माया की सीमा से बाहर निकल जाए, तो ब्रह्म तो भगवान को जीव को मिला हुआ ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव क्या है? कहा भगवान का अंश है। और अंश का मतलब जानते हो? अंश का मतलब बिल्कुल वही जो वो है वही हम हैं। गंगा जी की धारा प्रवाहित हो रही है और आप बहती हुई गंगा जी की धारा में से एक अपना पात्र भर लो। आपने जो पात्र में गंगा जल लिया है, उस गंगा जल में और गंगा जी की धारा में कोई अंतर है? नहीं है ना। गंगा जी की जो धारा अविरल प्रवाहित हो रही है वो अंशी है, और जो आपने अपना पात्र भरा है वो अंश है। लेकिन दोनों के जल में तो कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसा है। ठीक ऐसे ही वो अंशी है और हम अंश हैं, तो हमारे में उसमें कोई अंतर नहीं है। जो गुण ब्रह्म में है वही गुण जीवात्मा में। फिर आप कहो कि फिर तो अंतर ही क्या रह गया, जब जीवात्मा भी वही है तो जीवात्मा परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं, तो हम भगवान को क्यों याद करें, हम भगवान को क्यों पूजा करें भगवान। एक चीज, अंश में और अंशी में गुण तो एक जैसे हैं, पर महाराज जो जीवात्मा है ना उसके ऊपर माया का पर्दा पड़ गया, और माया का पर्दा पड़ते ही वो अपने ही गुणों को भूल गए। मेरे अंदर क्या क्या गुण था वही भूल गए। एक संत एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे कभी। एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति रोज जंगल में अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेकर के जाए, तो उसका नियम था सुदूर जंगल में लेकर के जाए, बड़ी दूर दूर तक।
वहाँ एक दिन जब गया तो उस जब भेड़ चराने के लिए गया तो उसके साथ में एक छोटा सा सिंह का बच्चा भी भेड़ों के साथ आ गया। और जब घर आ गया उसकी भेड़ों के साथ, तो वो जैसे भेड़ों को पालता था वैसे ही उस सिंह के बच्चे को भी पालना शुरू कर दिया। और ध्यान देना, कई दिन तक जब वो भेड़ों के साथ रहा, जैसा भेड़ घास फूस जो खाती है वही खाने लगा, जैसे भेड़ बोलती है वैसे ही बोलने लगा, जैसे जैसे वो करे वैसे ही उसके जीवन में भी आचरण होने लगा। और महाराज वो रोज जैसे भेड़ों को चराने के लिए जंगल में लेकर जाए तो वो सिंह का बच्चा भी भेड़ों के साथ चरने के लिए जाए। एक दिन कोई बड़ा सिंह मिल गया उस बच्चे को, उसने देखा तो पहचान गया कि ये तो भेड़ तो है नहीं, ये तो सिंह का हमारा ही अंश है। सो महाराज उसने बड़ा समझाने की कोशिश की अपनी भाषा में, लेकिन सिंह के डर से जैसे और भेड़ें डर रही थी वैसे ही ये भी डरने लगा, भयभीत होने लगा। सिंह ने इसको समझाया, तू भेड़ नहीं है, तू तो वही है जो मैं हूं। अब वो मानने को तैयार नहीं, नहीं जो ये है वही मैं हूं। सिंह बड़ा समझाए तो भी ना माने, तो एक सिंह ने एक काम किया, उसको लेकर के आया, एक बड़ा सा तालाब कहीं पानी का भरा हुआ था, उस तालाब में उसने जिसमें परछाई दिखाई दे रही थी जल में, तो सिंह ने उसमें दिखाया, देख जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही तू दिखता है, मुझ में तुझ में थोड़ा भी अंतर नहीं है। और जब उसको साक्षात्कार हुआ ना महाराज, जब उसे समझ आया कि मैं तो वही हूँ जो ये है, इससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। सो महाराज जैसे सिंह दहाड़ता है वैसे दहाड़ना शुरू किया, तो जितनी भेड़ें सब उससे डरना शुरू हो गई। जीवात्मा और परमात्मा में इतना ही अंतर है महाराज, ये जीवात्मा है तो सिंह का ही बच्चा, उसी का अंश है, लेकिन कहीं ना कहीं संसार में आकर के माया के चक्कर में पड़ करके अपने आप को भेड़ मानने लगा। कहीं संत, कहीं गुरु, कहीं शास्त्र जब उसे समझाते हैं तू वो नहीं है जो अपने आप को समझ रहा है, तब उसे समझ आता है कि मैं वो हूँ जिसको याद कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी उसके ही गुण हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।